पंजाब विच चोणां दा समां नज़दीक आउंदियां ही बेअदबी दीआं घटनावां नाल पंजाब दा माहौल खराब करन दी कोशिश कीती जा रही है। श्री दरबार साहिब विखे बेअदबी दी कोशिश नूं अजे कुछ घंटे ही होए सन कि कपूरथला दे निज़ामपुर मोड़ विखे अणपछाते नौजवान वल्लों गुरद्वारा साहिब च बेअदबी दे मकसद नाल गुरद्वारा साहिब दे निशान साहिब नाल छेड़छाड़ करन दी कोशिश कीती गई, पर नौजवान नूं गुरद्वारा साहिब दे सेवादारां अते लोकां ने मौके ते ही काबू कर लिया। फड़े गए नौजवान नाल मारकुट दी वीडियो सोशल मीडिया ते बड़ी ही तेजी नाल वायरल हुई सी, जिस तों बाद इलाके दीआं सिख जथेबंदियां ने कपूरथला सुभानपुर रोड जाम कर दिता। मौके ते पहुंची पुलिस ने नौजवान नूं हिरासत विच लैण दी कोशिश कीती, परंतु सिख जथेबंदियां ने बेअदबी दी कोशिश करन वाले नौजवान नूं पुलिस दे हवाले ना करदे हुए सोधा लगाउंदे हुए मौत दे घाट उतार दिता। सिख जथेबंदियां दे आगुआं ने कहा कि हुण जो भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी करन दी कोशिश करेगा उसका यही हशर होवेगा। अज प्रशासन कहिंदा है भाई सानू दे दिओ, असीं इंसाफ दिवावांगे। सानू इस प्रशासन ने इन्हां सरकारां ने बरगाड़ी का इंसाफ नहीं दवाया। ये सरकारां दे भेजे ने, ये गुरु घरां दे विच बेअदबियां कर रहे ने। असीं किसी की बेअदबी नहीं करते। एक जो बेअदबी हो जाती है ये कहिंदे भाई पागल है। पागल नूं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज देखदा है। पागल नूं सिर्फ एक गुरु देखदा है। पागल नूं सिर्फ एक गुरु का घर देखदा है। पागल नूं सिर्फ एक सिख देखदा है। पागल नूं सिर्फ एक गुरु ग्रंथ साहिब देखदा है। पागल नूं अपनी माँ नहीं देखदी। पागल नूं अपना प्यो नहीं देखदा। पागल नूं होर कोई नहीं देखदा। पागल नूं अपना परिवार नहीं देखदा कि यह पागल अपनी माँ नूं मारे, ये पागल अपने प्यो नूं मारे। ये पागल नूं दिसदा है ते दिसदा एक सिखां दा, एक सिख कौम दा। ये गुरु ग्रंथ साहिब दिसदा है कि इस नूं असीं अंग पाड़ने ने, इस अंगां दी बेअदबी करनी है। इन्हां नूं सिर्फ एक दिसदा है ते दिसदा गुरु ग्रंथ साहिब है। इस तों उपरंत पत्रकार वार्ता दौरान IG जलंधर रेंज गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि इस घटना नूं लै के 306 दे दर्ज कीते गए मामले विच 4 लोगों ते 22 नेम परचा दर्ज किया गया है ते 100 अणपछाते लोगों ते परचा दर्ज किया गया है। गुरुद्वारा साहब ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे और थल्ले साइड पे उनका दा हाउस है जी, ठीक है जी। ये वो असी अपने SHO दे बयान ते कीती है क्योंकि SHO मौके ते हाजिर सी जदों ये सारा कुछ किया, जिदे विच उस जिन्हों एलर्ज करते ने अनआइडेंटिफाइड माइग्रेंट बंदा लगता है, जो ओदी फिजिकल अपीयरेंस तो लगता है ही अपीयर्स टू बी अ माइग्रेंट फेलो, ओनू इन्होंने कुटिया। फिर एक वीडियो बनाई, उस वीडियो ने इमोटिव मैसेज दे के लोगों को कठिया किया और कठिया करके अल्टीमेटली उन्हें रोक छड़िया। पुलिस निगोशिएट करती रही कि सानू दिता जाए, लेकिन उन्होंने जोर जबरी करके कट्ठे हजूम कट्ठा होके साड़ी पुलिस ते भी हमला किया, ड्यूटी च निर्विघन पाया और उन्हें हथियार वरत के कुटमार के उन्हें डेड डिक्लेयर किया। 306 जिहड़ा परचा है उहदे च 22 नेम नॉमिनेटेड ने। हाउ मेनी पर्सन? 4 पर्सन 22 नेम ने। 306 नंबर FIR है वो अजे दर्ज नहीं हुई, वो तहरीर वेरीफाई कर रहे हैं। सर वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जेडे पुलिसमैन ना ड्यूटी तो रोकया गया ड्यूटी करन ते या जेडी हाथों पाई हुई जेडा तुहाड़े सामने ही पुलिस दी प्रेजेंस दे विच पकड़िया एक मारया गया, अंदर खिड़की तोड़ के अंदर गए उत्थे मारया, वो चीज तो है। इसे करके मैं तन्नू हुणे SHO नाल गल होई है, इसे करके ही व्हाट वी आर सेइंग जेडी सैक्रिलेज वाली पर्चा है वो रजिस्टर कर दिया। अदर इवेंट जेडियां तुसी कह रहे हो कि पुलिस ते हमला होया जेड़ा ओनू अंदर मैं किया गया उसकी डेथ हुई है, दैट इज स्टिल अंडर वेरिफिकेशन एंड लॉ विल टेक इट्स कोर्स। इफ इट अपीयर्स टू बी केस ऑफ ए मर्डर
then FIR will be registered. Sir, Punjab police waste ek badi namoshi wali gall nahi hai ki SSP maujooda SSP utthe hon do SSP utthe hon sare DSP pure jile di police utthe hoye unna de samne murder ho jave ki jada issue siga it was very emotive issue 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੂਮ ਸੀਗਾ ਗੇਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦੇਅਰ ਐਸਐਸਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ ਇੰਨਾ ਇਮੋਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਟਸ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਅੰਦਰ ਘਿਰੇ ਸੀਗੇ